शामिल करते हैं। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ महर इफ्तार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद की हदायत और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर पी रियाज की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को ट्रैफिक कवानीन आगाही के लिए जनरल बस स्टैंड के बाहर एक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद की हदायत पर अमल करते हुए और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर पी रियाज की जेर निगरानी साहिवाल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही बारे जनरल बस स्टैंड के बाहर आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। ट्रैफिक से आगाही कैंप में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल ने शहरियों को हादसात से महफूज रखने के लिए हेलमेट भी तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर पी रियाज ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही फराहम करने के लिए शहरियों में आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए। इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर खजर वार्डन अब्दुलरहमान इंचार्ज एजुकेशन विंग जावेद गुजर DO ट्रैफिक PRO 2D PO सुहेल इकबाल राणा आसिफ सरवर भी इस मौके पर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं जिला लोधरा से हमारे आप प्लस न्यूज चैनल के जिला लोधरा के डिप्टी ब्यूरो चीफ मलिक शाहिद उमर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा के शहर धनोट आलम साम की अजीम रूहानी शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब 29 अप्रैल को धनोट तशरीफ लाएंगे। तफसील के मुताबिक जामिया अजीजिया रबीउल कुरान धनोट के ज़ेर एहतमाम एक अजीम शान रूहानी इज्तमा 29 अप्रैल बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब मुनक़िद होगा, जिसमें आलम इस्लाम के रूहानी पेशवा पीर तरीकत वली कामिल हजरत अकदस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब लाहौर वाले खसूसी खताब फरमाएंगे। इन ख्यालात का इजहार जामिया अजीजिया रबीउल कुरान धनोट के नाज़िम आला और मारूफ नात गो शायर हाफिज मोहम्मद अहमद सदीकी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुफ्ती हसन साहब के अलावा पीर तरीकत खतीब इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह काजमी लाहौर पीर तरीकत हजरत मौलाना पीर मोहम्मद शाह जरार उत शरीफ भी खताब फरमाएंगे। मुल्क के मारूफ सनाख्वां रसूल हाफिज मोहम्मद वसीम नवाज हदीयनात पेश करेंगे। खबर शामिल करते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं आप प्लस न्यूज के नुमाइंदा तसव्वुर अल हसन खान DSP खालिद महमूद अनवर को DSPO नूरपुर थल तैनात कर दिया गया। इससे पहले सर्कल सलावाली सरगोधा तैनात थे। कर रहे हैं मलिक असदुल्ला तहसील रिपोर्टर शरफपुर शरीफ मरकजी रहनुमा तहरीक लबैक पाकिस्तान पीर सैयद इफ्तार हुसैन शाह साहब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया रेहान वाला शरीफ उमरा शरीफ की शहादत हासिल करके वतन वापस पहुंच गए। उन्होंने वहां गुलाफ काबा की तैयारी में भी हिस्सा लिया और आके मुकदसात लाइब्रेरी का भी दौरा किया और पाकिस्तानी और ओवरसीज और मुख्तलिफ सऊदी वफूद से भी मुलाकातें की। हम आप प्लस न्यूज़ की टीम की तरफ से शाह साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। इनकी वापसी पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद आस्ताना आलिया रेहान वाला शरीफ पर इनके इस्तकबाल के लिए पहुंची। उन्होंने फर्दन फर्दन तमाम अकीदतमंदों से मुलाकात की और तमाम आने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। शाम शोरों से रिपोर्ट कर रहे हैं आलम खान कोटरी साइट MC भोलहाड़ी भटाई कॉलोनी वाटर सप्लाई में पानी के गैर कानूनी कनेक्शन दिन ब दिन भरने लगे। गैर कानूनी कनेक्शन की वजह से करीबी कॉलोनियों को पानी की सप्लाई मिलना शुरू हो गई, क्योंकि पानी का बहाव गैर कानूनी कनेक्शन के पाइपों की वजह से लोग पानी चला रहे हैं जबकि दीगर कॉलोनियों में पानी की सप्लाई जारी है। ये गैर कानूनी कनेक्शन भटाई कॉलोनी वाटर सप्लाई स्कीम के अमले की इजाजत से अदा किया जा रहा है। गैर कानूनी कनेक्शन करीबी कॉलोनियों में पानी का बहरान पैदा कर रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं कोर्ट राधा किशन का। वकास साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम शुजात और बहादुरी के बहरे बेकरां थे। आपकी पैरवी दुनिया व आखरत में कामयाबी का जीना है। इन ख्यालात का इजहार मजहबी स्कॉलर डॉक्टर साबिर अली मीरा मारूफ समाजी शख्सियत नासिर महमूद मलिक अंजुमन तलबा इस्लाम जिला कसूर के नाजिम मोहम्मद अहमद फरीदी अंजुमन तलबा इस्लाम जिला कसूर के जनरल सेक्रेटरी अली हैदर ने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पेमार उताड़ तहसील कोट राधा किशन के ज़ेर एहतमाम शहादत हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम के मौका पर मुनाकिदा तकरीब से खताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि खाना काबा में विलादत और मस्जिद में शहादत कुर्बे इलाही की दलील है। मुकर्ररीन ने मजीद कहा कि हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली उसका दरवाज़ा है। आपकी पैरवी हमारे लिए दुनिया व आखरत में सुरखरुई का बायस है। तकरीब से मुस्तफ़ाई तहरीक जिला कसूर के सदर डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज सज्जाद डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा तरन्नुम
शौकत अली, मलिक मोहम्मद, असलम जाहिद, सिकंदर रियाज डोगर और दीगर मुकर्रीन ने भी खताब किया। तकरीब के मेहमान खसूसी उम्मीदवार सूबाई असम्बली हाजी मोहम्मद नवाज गुडियो जेलियानिया और सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद आसिफ सिंधू थे। औसाफ अहमद तहसील डिस्ट्रिक्ट सरगोधा, सरगोधा भलवाल अजनाला रोड की तामीर के लिए वजीर आजम से फंड्स के हसूल पर बात करूंगा। वजीर मुमलिकत तस्नीम अहमद कुरैशी, कराची स्टील मिल्स को दोबारा प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए इकदाम आखिरी मराहल में है। महंगाई पर काबू पाने के लिए सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। मुल्क की तरक्की के लिए अहम इकदाम उठाने पर गौर जारी है। सरगोधा भलवाल अजनाला रोड की तामीर के लिए वजीर आजम से फंड के हसूल पर बात करूंगा। इन ख्यालात का इजहार वजीर मुमलिकत सनअत और पैदावार तस्नीम अहमद कुरैशी ने सरगोधा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजरों से खताब करते हुए किया। इस मौके पर सदर सरगोधा चैम्बर साजिद हुसैन तारड़, सीनियर नायब सदर हैदर मंजूर तारड़, नायब सदर राजा सुहेल अमजद, बाबा चैम्बर ख्वाजा आबिद रफीक भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर सरगोधा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साजिद हुसैन तारड़ ने सरगोधा में इंडस्ट्रियल पार्क की आबादकारी, सनावाला इंडस्ट्री स्टेट जोन सरगोधा चैम्बर में पासपोर्ट डेस्क और जेम्स एंड ज्वेलरी सेंटर की बहाली का मुतालबा किया, जिस पर तस्नीम कुरैशी ने सरगोधा चैम्बर के वक्त की वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर सदर सरगोधा चैम्बर साजिद हुसैन तारड़ ने वफाकी वजीर मुमलिकत तस्नीम अहमद कुरैशी को शील्ड भी दी। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। रिपोर्टर इमरान अली हैदरी पड़ियार तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाहबोध पुलिस की कार्रवाई, 27 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद, रिकॉर्ड याफ्ता 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। इब्तदाई तहकीकात में मुलजिमान इस्माइल अमीन और मुबीन से माल मवेशी, तलाई जेवरात, ट्रांसफार्मर्स, चोरी शुदा घरेलू सामान और मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजिमान के खिलाफ जिला भर में मुतअद्दिद डकैती राहजनी समेत मुख्तलिफ संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हैं। कोटरी साइड पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 10 से ज्यादा चोरी शुदा मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट समेत आइस बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। जामशेरों से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आप प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ अब्दुल खालिक चांडियो। कोटरी के इलाके उमैर टाउन में SHO खैर मोहम्मद मल्लाह की सरबराही में साइड पुलिस की मख्फी इतला पर कार्रवाई, मुख्तलिफ इलाकों से चोरी की गई मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट समेत आइस बरामद करके 2 मुलजिम सैयद गुलाम नबी शाह और गुलाम शाह को मौका पर गिरफ्तार कर लिया। SHO साइट हैर मोहम्मद मल्लाह ने बताया कि SSP जामशोर इमरान कुरैशी की हदायत पर उमैर टाउन में सैयद मुश्तबा शाह के घर में कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 से ज्यादा चोरी शुदा मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट और आइस बरामद कर ली गई है। मजीद बताया कि और भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, जिनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। रिपोर्टर इमरान अली हैदरी पड़ियार तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर गुगेरा DCO और AC ओकाड़ा की नाक के नीचे करप्ट पटवारी रमजान अल मुबारक के महीने में भी गरीबों के लिए फराहम करदा आटा चोरी करने से बाज ना आया। DCO थैले फ्री आटा प्वाइंट से गायब करके प्राइवेट जगह मुंतकल कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक जिला ओकाड़ा के इलाके सदर गुगेरा में हाल ही में कायम किए गए फ्री आटा प्वाइंट पर अहले इलाका और गरीब अवाम को आटा फराहम करने की बजाय करप्ट पटवारी अकमल थैले खुफिया तरीके से गायब करने लगा। एक ही घर के फर्द को इसके बहन भाई की जगह आटा नहीं दिया जाता, जबकि इस पटवारी को कोई पूछने वाला नहीं कि वो किस तरह बीसियों थैले खुद बुट कर रहा है। अवाम लंबी लंबी कतारों में जलीलो ख्वार हो रही है, जबकि आटा करप्शन के कुएं में झोंका जा रहा है। हुकूमती रिलीफ पैकेज के तहत आटा अवाम को फराहम करने के लिए मुहैया किया गया, जबकि करप्ट पटवारी अपना बिजनेस चालू कर बैठे हैं। गरीब अवाम को जलीलो ख्वार होने पर मजबूर कर दिया गया है। आटे की प्राइवेट जगह दुकान पर मुंतकली की तस्वीरें और वीडियो सबूत मौजूद हैं। पटवारी की इस खुले करप्शन पर अवाम सरापा एहतजाज है और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि इस करप्ट पटवारी के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। खबर शामिल करते हैं आप प्लस न्यूज HD के तहसील रिपोर्टर डॉक्टर मलिक मोहम्मद हसन उभाया की रिपोर्ट के मुताबिक आज मिल सादिकाबाद मुल्तान में अफसोसनाक एक्सीडेंट हुआ। मोटरसाइकिल और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। बाप बेटा दोनों कपड़े का कारोबार के लिए जा रहे थे, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, दोनों गिर गए। ट्रक ऊपर से गुजर गया। बाप चंद मिनट जिंदा रहने के बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। 112 निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया। बेटा भी शदीद जख्मी हालत में 112 वालों ने निश्तर मुल्तान रेफर कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अपनी हिरासत में ले लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। मिल सादिकाबाद नजीद रहमत अस्पताल मुल्तान। वही लोग अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। आप प्लस न्यूज बना एक दुखियारी माँ की आवाज़।
जिला तकी तहसील पिंडी घैप के गांव सरक का एक ऐसा घराना जिनके चार बच्चे जिनकी जवानी ढल चुकी है पैदाइशी माजूर हैं। चार साल कबल इनके वालिद का भी इंतकाल हो चुका है। अब वाहिद सहारा बूढ़ी माँ है। बदाउद्दीन के ये खानदान सिसक सिसक कर जिंदगी गुजार रहे हैं। इस घर के चार अफराद जिनमें दो लड़के और दो लड़कियां हैं जिनकी उम्रें 35 से 47 साल के दरमियान है पैदाइशी माजूर है। इनकी वालिदा इनकी परवरिश कर रही हैं। तीन बच्चे ऐसे हैं जो घर के सहन से बाहर नहीं जा सकते, ना खाना खुद खा सकते हैं, ना कपड़े पहन सकते हैं। घर का बड़ा बेटा व्हीलचेयर के सहारे चल सकता है। इन चारों का वाहिद सहारा बूढ़ी माँ है जो खुद भी इस वक्त फालिज की मरीजा है। बूढ़ी माँ का कहना था, मेरे हकीकी रिश्तेदार मुझे छोड़ गए, मैं अपने बच्चों का मुर्गियों के अंडे बेचकर गुजारा करती हूँ। अपने तो अपने किसी हकूमती इदारे ने भी मुझसे राब्ता नहीं किया। बैतुल माल महकमा ज़कात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी आज तक महरूम हूँ। मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बैतुल माल के चेयरमैन महकमा ज़कात के आला हुकाम इलाके के मुखय्यर हजरात और इलाके के MNA और CMP से अपील है कि मजबूर बेवा का सहारा बने क्योंकि मेरा अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं। खोर से 50 किलोमीटर दूर खड़िया पे मयाल ऑल फुल गांव सिर्फ रिपोर्ट गुलाब खान न्याज तहसील रिपोर्टर। रिपोर्टर ने 50 किलोमीटर दूर एक ढोकनुमा डेरा जहां पे बेबस माँ और इसके माजूर बच्चे रहते हैं वहां का विजिट किया। उन्होंने बताया कि कोई हकूमती इदारा इनकी मदद नहीं कर रहा। बैतुल माल महकमा ज़कात के इदारे जिनके स्टाफ पर करोड़ों रुपए खर्च आता है, आवाम को इन इदारों का कोई फायदा नहीं है। इस रिपोर्ट को खुद तरतीब दे लें और चैनल पर लाजमी चलाएं, शायद आपके तवसुत से इनकी आवाज इन बुलंद दीवानों तक पहुंच सके। हम सब ने हिम्मत करनी है, सबब मेरा मालिक खुद बनाएगा। गुलाब खान न्यास खोड़। डिप्टी कमिश्नर सैयद मशहद रजा काजमी चीनी की गैर कानूनी जहीरांदोजी के खिलाफ मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर के शहर में मुख्तलिफ गोदामों पर अचानक छापे। छापों के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना मोरूदी, असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले भी इनके हमराह थे। अशिया खुर्दनोश की जहीरांदोजी पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सैयद मशहद रजा काजमी, गोदाम मालिकान स्टॉक रजिस्टर्स और फरोख्त का रिकॉर्ड लाजमी अपडेट रखें। जायद मकदार में अशियाएं रखने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोदामों को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जा रहा है। ताजिर बरादरी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए हकूमती हदायत पर अमल करें। डिप्टी कमिश्नर सैयद मशहद रजा काजमी रिपोर्ट। मलिक उमर फारूक तहसील रिपोर्टर आप न्यूज जलालपुर पीरवाला। कर रहे हैं मलिक असदुल्ला तहसील रिपोर्टर शरफपुर शरीफ। मरकजी रहनुमा तहरीके लबैक पाकिस्तान पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया रिहान वाला शरीफ उमरा शरीफ की सादत हासिल करके वतन वापस पहुंच गए। उन्होंने वहां गुलाफ काबा की तैयारी में भी हिस्सा लिया और आके मुकदसात लाइब्रेरी का भी दौरा किया और पाकिस्तानी और ओवरसीज और मुख्तलिफ सऊदी वफूद से भी मुलाकातें की। हम आप प्लस न्यूज़ की टीम की तरफ से शाह साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। इनकी वापसी पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद आस्ताना आलिया रिहान वाला शरीफ पर इनके इस्तकबाल के लिए पहुंची। उन्होंने फर्दन फर्दन तमाम अकीदतमंदों से मुलाकात की और तमाम आने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हुए हैं मारवी गोट की इमाम बारगाह में। ये इमाम बारगाह और मस्जिद है जैसा कि आप देख रहे हैं। हम हर साल कोशिश करते हैं यहाँ हाज़िरी देने की और आज 20 रमज़ान मुबारक का मेरे मौला आज ज़ख्मी हैं। हम चाहते हैं कि मौला को याद करते हुए इस नेक काम को ज़्यादा से ज़्यादा हम करें। अरसलान हेल्पलाइन ना सिर्फ कराची बल्कि अंदरून सिंध में बेशुमार जगहों पे इफ्तारी तकसीम कर रहा है और ये सब आपकी मदद से हो रहे हैं। खुश नसीब है हम कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर मौका दिया है। ज़िंदगी का तो भरोसा ही कोई नहीं है, कल आए या ना आए, आइए मिलकर कुछ ऐसे काम कर लें इस बाबरकत महीने में जिससे मेरा रब राज़ी हो जाए। रोज़ा इफ्तार करवाना रोज़ा रखने से भी ज़्यादा अफजल है, ये मेरे नबी की हदीस मुबारक है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास सहरी करने के लिए रोटी तक नहीं है। लातादात ऐसे मासूम बच्चे हैं जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन इफ्तारी के लिए कुछ नहीं है। खुदारा अपने ही इर्द गिर्द ऐसे लोगों को तलाश कीजिए, वाइट कॉलर लोगों को तलाश कीजिए जो किसी के आगे
हाथ नहीं फैलाते। खुदारा ऐसे लोगों का साथ दीजिए, मदद कीजिए जिनको मदद की वाकई ज़रूरत है। मेरा मौला ने जो फरमाया था कि आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ और उन लोगों का हाथ थाम लो जो इस वक्त गुर्बत की इंतहा में हैं। जब आप रोज़ा खोलें, दस्तरखान पे बैठें, तो उस प्यास को ज़रूर याद कीजिएगा जो तीन दिन से प्यासे थे। उस नन्हे अली असगर की प्यास को ज़रूर याद कीजिएगा जो तीन दिन का प्यासा शहीद हो गया। आप शरबत पिएं तो ज़रूर उन शहीदों को भी याद कीजिएगा। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को अजर अजीम अता फरमाए जो हमारा साथ दे रहे हैं। मैं जनाब सईद काजमी साहब USA, नुजत अफाक साहबा, ताज रजा बहन सिप्तैन भाई, हैदर मेहंदी मलिक साहब और तफस्सुर हुसैन बेटा और बेशुमार लोग जो इस नेक काम में हमारे साथ साथ चल रहे हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और साथ साथ दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को, तमाम मोमिनीन को शादो आबाद रखे। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत की खिदमत कर सकें, और इससे बढ़कर कोई काम ही नहीं है। आइए मिलकर आप और हम कदम बढ़ाएं और ऐसे लोगों को जो इंतहा से ज़्यादा परेशान है उनकी मदद करें। मैं यहाँ के इंतज़ामिया मारवी गोट की इंतज़ामिया का भी शुक्र गुज़ार हूँ और अपने रजाकार बच्चों का भी। खुदारा वो काम कर लीजिए जिससे रब राज़ी हो जाए। चंद रोज़ा ज़िंदगी है, फिर मौका मिले या ना मिले, आइए आप और हम मिलकर, ईद करीब है, आइए उन गुराबा के घर पर राशन पहुंचा दें जिनके पास खाने को एक वक्त का है और एक वक्त भूखे बच्चे सो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान हेल्पलाइन वेलफेयर ट्रस्ट कराची, हमारा फ़ोन नंबर है 03147211109। और आखिर में मैं बस यही कहूँगा, आज 20 रमजान मुबारक है। अल्लाहुम्मा लान कतला तला मिरुल मोमिनीन। आप भी मेरे साथ यही दुआ पढ़ दीजिए और तमाम लोगों के लिए सेहत और सलामती के लिए दुआ कर दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम। खानकाह डोगरा के नवाही गांव सालार सैयदा के रिहायशी किसान मोहम्मद याकूब वल्द साले मोहम्मद ने गुज़िश्ता रोज़ खानकाह डोगरा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मैंने सरकारी किल्ला पे राना अजमत से 2018 में 5 एकड़ जमीन खरीदी जिसकी गर्दवारी रजिस्ट्री और इंतकाल मेरे नाम है, मगर राना यासीन जब भी मेरी फसल तैयार होती है तो मुझसे भत्ता मांगता है। अब भी जब मेरी गंदम की फसल तैयार हो गई तो रात की तारीकी में राना यासीन और इसके मुसल्ला साथियों ने फसल को पानी लगाकर सरसों का बीज डालकर मेरी तैयार फसल बर्बाद कर दी। और जब DPO शेखुपुरा के हुक्म पर DSP सफदराबाद और SHO थाना खानकाह डोगरा मोहम्मद जमील भट्टी ने मेरी मदद करना चाही तो कब्जा ग्रुप के सरगना राना यासीन ने SHO मोहम्मद जमील भट्टी के खिलाफ भी मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि SHO इसकी फसल जबरदस्ती किसी और को कटवा कर देना चाहता है जबकि मैं ही असल मालिक हूँ। मोहम्मद याकूब ने जमीन के दस्तावेजात मीडिया को दिखाते हुए कहा कि मैं जहां भी इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त देता हूं, राना यासीन झूठा होने की वजह से वहां नहीं पहुंचता। मेरा नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका है और मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO शेखुपुरा से मेरी अपील है कि मेरी जमीन कब्जा ग्रुप से वागुजार करवाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद यकूब वल्द साले मोहम्मद मेरा नाम है, सलात सईदा का रहने वाला हूँ। मैंने सरकारी कलां पर 5 एकड़ जमीन खरीदी है राना अजमत से जिसका रजिस्ट्री इंतकाल गर्दौरी जमाबंदी मेरे नाम पर है और मेरे कब्जा में है। मैं 2021 में के साथ राना यासीन ग्रुप ज्यादती कर रहा है, फसल में काश्त करता हूँ तो कटाई का वक़्त आता है तो कब्ज़ा माफिया राना यासीन ग्रुप शोर मचा देता है और गुंडागर्दी करता है, मेरी फसल काटने की कोशिश करता है। तमाम फरकीन बाला से रिपोर्ट मेरे हक में है और जो मैं मेरे साथ सरासर गलत करता है क्योंकि मैं थाना खानकाह डोगरा मेरा मुतलका थाना दें। मैं पहले भी अनवर सियाल साहब, राणा खुरम शहजाद डोगर साहब ने भी मेरे हक में फैसला किया है और जो
मुतलका साडा SHO साहब ने जमील साहब बहुत ईमानदार और इंतहाई अच्छे अफसर हैं, तो थाने की बजाय आने राणा ग्रुप थाने की बजाय सोशल मीडिया पर वाह वैला कर रहा है, थाने आने से ग्रेज करते हैं, अफसर के सामने आने से ग्रेज करते हैं। और अफराशी से काम लेते हैं और सरासर ज्यादती कर रहे हैं। मैंने SHO साहब जमील साहब से भी रिपोर्ट की है और रिपोर्ट करने के बावजूद राणा ग्रुप को बुलाते हैं, जमील साहब तो एक कभी नहीं आते, आने की बजाय सोशल मीडिया पर गलत वावैला इस्तेमाल करते हैं। मैं मेरा साथ जो सबका